नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जाम शाला के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम हिमांशु और आज है 7 दिसंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स क्यू। आज के करंट अफेयर्स क्यू स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये चर्चा करते हैं आज कौन सा खास दिन है। तो आज दो इंपॉर्टेंट डेज है, याद रखना है आपको। पहला है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे और सेकेंड है आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे के बारे में। सिविल एविएशन का मतलब नागरिक उड्डयन, हिंदी में बोलेंगे इसको नागरिक उड्डयन। तो ये दिन किस लिए ऑब्जर्व किया जाता है? इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है अवेयरनेस क्रिएट करने के बारे में कि जो इम्पोर्टेंस है हमारे यहाँ पर एयर ट्रांसपोर्ट की, सिविल एविएशन सेक्टर्स की, उसको लोगों तक पहुँचाना है ना, उसका जो रोल है, उस रोल को, उस ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर, उसके जो सहयोग है, उनका जो कॉपरेशन है, उसको यहाँ पर लोगों के बीच में अवेयर करना। ठीक है, तो इस बार याद रखना है आपको इस बार का थीम क्या है। तो इस बार का थीम क्या है? एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये थीम रहेगा इस बार का। ये चीज़ याद रखना है आपको कि 2020 का इस बार का थीम है। सेकेंड डे है हमारा आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे। ये इस दिन ऑब्जर्व किया जाता है 7 दिसंबर को। और ये क्या होता है कि यहाँ पर एक कलेक्टिंग फंड्स फ्रॉम द कॉमन पीपल्स, यानी कॉमन पीपल से जो इनका ऑब्जेक्टिव है कि फंड हम कलेक्ट करेंगे और साथ साथ में जो हमारे मिलिट्री मैंस हैं, जो यानी हमारे यहाँ पर बहादुरी का प्रयास दिखाते हैं, से हमारी सुरक्षा करते हैं कंट्री के उस पर, तो उनको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। ठीक है, तो मतलब क्या है, कलेक्टिंग फंड फ्रॉम द पीपल, कॉमन पीपल्स, और ये जो बहादुरी दिखाने का प्रयास करते हैं जो हमारे सिपाही, उनको यहाँ पर डोनेट करने का काम किया जाएगा जो बॉर्डर पर होते हैं। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्टिव है आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे का। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा है कि इस बार व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियाज ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, यानी इंडिया की रैंक क्या है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, इस बार की रैंक है इंडिया की 8th रैंक है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में। और इसमें आप देखोगे कि 8th पोजीशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर टेररिज्म बहुत ज़्यादा है। तो टेररिज्म को ध्यान में क्या देखा जाता है यहाँ पे कि जो इंटरनल सिक्योरिटी है प्लस जो हमारे एक्सटर्नल जो अटैक्स होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो ये सब इंडेक्स निकाला जाता है जिसमें इंडिया की कंडीशन अभी तो बहुत पुअर है, जो 8th स्थान पर है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपसे पूछा है कि किस स्टेट में अभी हाल ही में प्रपोज किया गया, मतलब किस स्टेट ने प्रपोज किया है कि हम अपने यहाँ पर 6th रायमोना नेशनल पार्क को क्या करेंगे, सेटअप करेंगे। ठीक है, तो ऐसा अभी हाल ही में कहाँ पर, किस स्टेट ने अभी हाल ही में प्रपोजल दिया है? तो ये प्रपोजल दिया है आसाम गवर्नमेंट ने। आसाम गवर्नमेंट में अभी यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क हैं, जैसे आपका सुना होगा मानस है, काजीरंगा है, ठीक है, नामेरी है, डिब्रूगढ़ है, सिखोवा है। तो ये नेशनल पार्क के अलावा अभी यहाँ वहाँ पर एक 6th नेशनल पार्क भी, उसके लिए प्रपोजल दिया गया है। अब इस प्रपोजल को अगर हमारे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट मान लेती है तो आप यहाँ पर देखोगे कि आसाम को यहाँ पर 6th नेशनल पार्क मिल जाएगा। ठीक है, तो इस जो नेशनल पार्क होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करने का काम जो होता है वो किसके हाथ में होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इसको अप्रूवल दे देती है तो ये 6th नेशनल पार्क हो जाएगा आसाम का, याद रखना है, रायमोना नेशनल पार्क। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछे कि किस स्टेट में 9th एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया, किस चीज़ का, इंटरनेशनल सेंट आर्ट फेस्टिवल का। तो ये ऑर्गेनाइज किया गया उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में 9th एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल्स का। और ये कौन सा, चंद्रभागा बीच, चंद्रभागा बीच ये कहाँ पर है, उड़ीसा में है। और यहाँ पर आप देखोगे कि सैंड आर्ट्स में कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने जो COVID-19 के लिए प्रोटोकॉल्स यहाँ पर दिए हैं उसको यहाँ पर सैंड पर रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, याद रखना है इस बार का थीम क्या रखा गया है। तो इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल का इस बार का थीम है कि इन्वायरमेंट एंड COVID-19। ठीक है, तो ये इस बार का थीम रखा गया है जो कि इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल में मनाया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपसे पूछा है कि 6th जो हमारी ब्रिक्स यूथ समिट है 2020 की, उसका थीम क्या है। ठीक है, तो याद रखना है उसका थीम क्या है, ब्रिक्स चैलेंजेस द टाइम फॉर यंग पीपल्स। ठीक है, ब्रिक्स चैलेंजेस टाइम फॉर द यंग पीपल्स, ये इस बार की क्या है यहाँ पर थीम रखी गई। और ये आप देखोगे कि ब्रिक्स में जो ये 6th समिट हुई है, यूथ समिट, वो कहाँ पर आयोजित हुई, तो रसिया में, यूलानोवोस्क रसिया में यहाँ पर आयोजित हुई।
और इसमें जो मेन फोकस था, मेन फोकस किस पर था, मिनिस्ट्रियल रिप्रेजेंटेटिव रिसर्च एंड एनर्जी एक्सपर्ट्स में आप यहाँ पर देखोगे इनका जो मेन फोकस रहा यूथ मिनिस्ट्रियल्स का। तो इस कॉन्फ्रेंस जो होती है, जो समिट्स होती है, इस समिट्स में पार्टिसिपेट कौन करते हैं, तो जो ब्रिक्स हमारी कंट्रीज हैं, जैसे ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो इन सभी के जो हमारे यूथ मिनिस्टर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। और यूथ को लिए यहाँ पर कौन से स्टेप्स उठाए जाएँ, तो उसको ध्यान में रखते हुए समिट ऑर्गेनाइज की जाती है। इस बार कहाँ हुई, रसिया में हुई है। थीम क्या है ये याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किस कंपनी को, अभी हाल ही में इंडिया में पहले ऐसी कंपनी बनी है जिसको अप्रूवल मिल गया है कि कोविड-19 की वैक्सीन को लॉन्च कर सकती है। ठीक है, तो ऐसा लॉन्च करने वाली वैक्सीन है फाइजर, फाइजर बायोटेक यानी यूएसए की एक कंपनी है, जिसको अभी हाल ही में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DGCI ने अप्रूवल दे दिया है कि इंडिया में वो वैक्सीन इमरजेंसी के तौर पर यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब फाइजर की वैक्सीन को इंडिया में यूज तो किया जा सकता है, इसको अप्रूवल अब यहाँ पे मिल गया है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि जो फाइजर की वैक्सीन है उस फाइजर की वैक्सीन को इंडिया में यानी देना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसके लिए जो स्टोरेज है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसके स्टोरेज के लिए -70 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। तो इतने टेम्परेचर पर यहाँ पर बायो वैक्सीन को रखना पड़ेगा, उसके बाद ही यहाँ पर वैक्सीन को डिलीवर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चैलेंजेस है हमारे लिए कि हम फाइजर बायोटेक की जो वैक्सीन है उसको इंडिया में हम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ को देखने वाला होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा है कि अभी हाल ही में जापान का एक सेटेलाइट है, याद रखना है आंसर मैंने पहले बता दिया, जापान का एक सेटेलाइट है हायाबुसा 2 मिशन, ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया था 6 साल पहले, और ये रिटर्न हुआ है 6 दिसंबर को अर्थ पर। ठीक है, तो ये जापान का सेटेलाइट था हायाबुसा 2 मिशन, कहाँ गया था, तो ये एक एस्ट्रॉइड पर गया था, एस्ट्रॉइड पे यानी जिसका नाम क्या था, रोइग्यू एस्ट्रॉइड था, और ये जो हमारे सन का ऑर्बिट है वहाँ पर चक्कर लगा रहा था, तो वहाँ से सैंपल लेकर लौटा है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है, वहाँ से सैंपल लेकर लौटा है। तो जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के द्वारा यहाँ पर ये फर्स्ट अचीवमेंट है कि फर्स्ट टाइम यहाँ पर आप देखोगे कि जो एक सेलेस्टियल बॉडी है वहाँ से सैंपल लेकर यहाँ पर लौटा है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है, रोग्यू एस्ट्रॉइड से जहाँ पर हायाबुसा 2 मिशन जापान का गया था 6 साल पहले, वो अभी हाल ही में लौटा है सैंपल्स लेकर। ठीक है, इन सैंपल्स पर रिसर्च किए जाएंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इसमें पूछा है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी हाल ही में वर्चुअली इनॉग्रेट किया है सेकेंड TCGA कॉन्फ्रेंस। TCGA से का मतलब द कैंसर जिनोम एटलस कॉन्फ्रेंस, कहाँ पर आयोजित की गई, तो आयोजित की गई नई दिल्ली में, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाइस प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है, एक चीज़ नोटिस करना है, जो काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है इसका जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है, PM होते हैं, इसके जो वाइस चेयरमैन होते हैं वो हमारे हेल्थ मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन इसके वाइस चेयरमैन हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर आप देखोगे कि सेकेंड TCGA का कॉन्फ्रेंस जो हुई नई दिल्ली में हुई, और इसमें क्या फोकस किया गया, तो द कैंसर जिनोम एटलस है ना, इसने भी हाल ही में यहाँ पर एक प्रोग्राम आयोजित किया गया जिसके अंतर्गत ये देखा गया कि जो हमारे कैंसर्स के सैंपल्स हैं वो इकट्ठा किए गए, तो 33 कैंसर टाइप्स यहाँ पर बताए गए। तो बेसिकली हम यहाँ कह सकते हैं कि जो हमारे कैंसर्स हैं उसके बारे में लोगों को अवेयर करना किस तरीके से और कैंसर फैल सकता है। ठीक है, तो उसके टाइप्स यहाँ पर कलेक्शन को रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, उसी तरीके से इंडिया में कैंसर्स को यहाँ पर रोकने का प्रयास करता है, जिसकी एक बॉडी है जहाँ क्या है, इंडियन कैंसर जीनोम एटलस यानी ICGA। ठीक है, ये ICGA इंडिया में क्या करती है, इंडिया में कैंसर जो होते हैं उनको टैकल करने के लिए, उनको गाइडलाइन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर ये बॉडी काम करती है। किसके अंतर्गत काम करती है, CSIR के अंतर्गत काम करती है। उसी तरीके से पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है द कैंसर जीनोम एटलस, ये पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर कैंसर के जीनोमिक्स को स्टडी करती है और गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। इसकी एक कॉन्फ्रेंस हुई कहाँ पर, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा कि हाल ही में 15 ईयर ओल्ड इनोवेटर एक साइंटिस्ट है जिनको टाइम मैगजीन पर कवर किया गया है। ठीक है, तो वो उनका नाम क्या है आपको बताना है, इसका उनका नाम है गीतांजलि राव।
गीतांजलि राव एक यूएस बेस मतलब यूएस में भारतीय मूल के एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है, 15 ईयर ओल्ड साइंटिस्ट हैं। इनको अभी हाल ही में क्या किया गया है, टाइम मैगजीन्स पर कवर किया गया है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किस कंट्री ने आर्टिफिशियल सन यानी एक तरीके से न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स को लॉन्च किया है फर्स्ट टाइम्स। अब यहाँ पर आर्टिफिशियल सन का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स होते हैं यानी नाभिकीय संलयन रिएक्टर यानी जो हमारे जिनसे हम पावर जनरेट कर सकते हैं, तो ऐसा यहाँ पर एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स यहाँ पर लॉन्च किया गया है। किस कंट्री ने लॉन्च किया है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है, चाइना। चाइना ने भी हाल ही में HL2M टोकामार्क रिएक्टर्स ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है, जो लार्जेस्ट एक रिएक्टर्स होगा जो न्यूक्लियर फ्यूजन्स पर काम करेगा। और इसी को नाम दिया गया है कि एक तरीके से आप देखोगे कि एक आर्टिफिशियल सन है जो कि 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर यहाँ पर जनरेट करेगा, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा हॉटर होगा कोर ऑफ द सन से, ठीक है, तो इसलिए इसको आर्टिफिशियल यानी सन्स का नाम दिया गया है चाइना में। ये एक रिएक्टर है जिससे हम लोग यहाँ पर बिजली बनाएंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा कि IIT बॉम्बे ने भी हाल ही में रिसर्च किया है कि जो अर्बन क्वालिटी लाइफ इंडेक्स है उसमें जो इंडिया में सिटी है उसमें कौन सा सिटी है जो टॉप पोजीशन पर है। तो टॉप पोजीशन पर एक है सिटी जिसका नाम याद रखना है पुणे। पुणे एक सिटी है जो जिसको पहला स्थान मिला है। तो अर्बन क्वालिटी लाइफ इंडेक्स में ये IIT बॉम्बे रिसर्च के द्वारा यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें आप देखोगे कि बेसिक एमिनिटीज़, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेस, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जेंडर रोल, इन सभी चीज़ों के बारे में स्टडी करके यहाँ पर सभी सिटीज़ की रैंक निकाली गई, जिसमें हाईएस्ट पोजीशन पर है पुणे और लोएस्ट पोजीशन पर है कौन सा, पटना। ये चीज़ याद रखना है आपको, ठीक है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।